देसी टाक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। बहुत बहुत आप मन के धन्यवाद है कि एक अच्छा चर्चा तो मन चालू करे है जी, और यहाँ आके मोला अच्छा लगी जी। बात के शुरुआत करते हैं अग्रवाल जी, आपके जन प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ ले हुई से? मोर प्रारंभिक जो शिक्षा है वो रायगढ़ जिला में जो खरसिया है, हाँ, वहाँ हुई से जी। और मैं वहाँ 11वीं क्लास तक पढ़े हूँ जी। जी, आप जिन परिवार से आता हो स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी, वो उनखर बड़ा देन है छत्तीसगढ़ का, काफ़ी उन्होंने प्रयास करी है छत्तीसगढ़ का, तो उनखर से जुड़ो कोनो बात आप हमला बताओ। नहीं देखा, जैसे बचपन ले, हाँ, बाबूजी हर जब जनसंघ रही भारतीय जनता पार्टी, हाँ, वो समय ले पॉलिटिक्स में है। हाँ, और मैं तो पैदाइशली ले पॉलिटिक्स ला देखे हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक बात हमेशा होकर ले सीखे कि सब ले प्रेम ले बात करना है। और सबसे बड़े बात है कि एक जो चरित्र के निर्माण रहते वो ओकर जोर रहीस। जैसे मुला याद आते कि बचपन में हमन स्कूल में जाथन, तो स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो घर में आके कहन कि वो हमला मार दीस, तो हमला घर में वो मार पड़त रहीस। और कोई हमर शिकायत कर दे कि ये मुला तंग करत है तो हूँ मार पड़े, तो काफ़ी अनुशासन में हमर लालन पालन हुए। लेकिन आज मुला ये बात के प्रसन्नता है कि हमर नींव हर जो है एक संस्कार के साथ हुईस, तो ओकर फायदा आज पूरा जीवन में मिलते, तो ओकर ले हमन यही सीखे कि सही बोलना है। और जो राजनीति है ओमा सेवा भाव रखना है। मुला एक घटना याद आते जी, मैं जब 98 में विधायक बने तो मोर जीते ही वो मुला बुलाई और बोले देख जनता हर तुला बड़े विश्वास ले जिताए है, एक सेवा करना है। और एक घटना मुला और याद आते जब 2003 में हम मंत्री बने रहे, हाँ, नगरी कल्याण मंत्री जी, तो मैं घोषणा करके आऊँ कि 2 करोड़ दी हैं, 3 करोड़ दी हैं। हाँ, काबर जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बने रही तो 1-1 लाख निगम में नहीं मिलत रही, बिल्कुल सही, नगर पंचायत में नहीं मिलत रही। हाँ, तो मैं 2-2, 5-5 करोड़ की घोषणा ला करा, एक दिन मुला बुलाईस, हाँ, बोले ते मोर नामला तो खराब नहीं कर दे, ते जो घोषणा करके आथस तो ते लबारी तो नहीं मारथस? बोला नहीं, मैं कोई लबारी नहीं मारा हूँ, मला संसाधन है और छत्तीसगढ़ बाढ़ गए है, तो ओकर बराबर चिंता रही कि भाई घर में जो है जिम्मेदारी पूरा हुई कि नहीं हुई, दूसर सरकार में काम करे थे जनता के विश्वास पाही नहीं पाही, तो हमेशा एक मार्गदर्शन मुला दीस। और ओकर ही परिणाम है कि आज मैं जो भी अनुभव प्राप्त करे हूँ ओकर साथ करे हूँ। राजनीति में प्रवेश कैसे हुई साहब के? मैं पहले बताया कि मोर जो जन्म है वो 63 के है, 63 साल के है, तो मैं पैदाइशी राजनीतिक देखे। लेकिन मैं मोर घर में नेता मन आए, नेता मन जाए, मिलना जुलना रही, चर्चा होत रही, तो माहौल तो रही मोर घर में। लेकिन मैं जब बाबूजी हर 89 में प्रदेश अध्यक्ष बनीस तो वो पीएवे नहीं रखीस, काबर पीएवे मन के अगर मान्यता रहीस कि सब गड़बड़ करते हैं। तो मैं साथ रहे लगे, काबर डायबिटीज रहीस तो दवा है, इंजेक्शन है देवर, तो ओकर कारण मैं साथ रहे, मोर सब नेता ले संपर्क हो गई। तो मोला एक बार मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे रहीस जी, जो हमार पूरा मध्य प्रदेश का देश के लाखों कार्यकर्ता ला बनाए हैं, और एक हमार संगठन मंत्री रहे, वो मोला बोले कि लखीराम जी रिटायर होते हैं तो ते काबर नहीं बोले सक्रिय राजनीतिक में आथस। तो मैं बोला ठीक है आ जाइया, लेकिन तुम ऐसा कर बोले चुनाव उनाव लड़ी है तो मैं सक्रिय राजनीतिक में आई हूँ। तो बोले ठीक है, तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन जा और ओकर बात कर। तो वैसे तो देख मोर पारिवारिक वातावरण राजनीतिक की रहीस, लेकिन सक्रिय जो राजनीतिक है मतलब जो मोर शुरुआत हुई वो 96 में हुई और युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हुई। खरसिया जिन गाँव है बड़ा महत्वपूर्ण है,
काबर की चाहे अविभाजित मध्य प्रदेश के बात करन तो खरसिया हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। खरसिया से जुड़े कोनो बात आप हमला बताओ। नहीं देख, खरसिया जो है के अगर बात ला करबो तो मैं जो बचपन ले देखे, हाँ। एक तो वो खरसिया जो है सबों में एका रहीस, प्रेम रहीस, स्नेह रहीस, और एकर खातिर खरसिया में जो है कभी भी गड़बड़ी नहीं हुई। बोले दो तीन घटना याद है जी। एक बार मोर ख्याल ले एक सांसद रहीस उमेश सिंह राठियार, हाँ। वो जांच वाँच करे बर आईस तो भारी झमेला मेला हो गईस। तो बीबीसी लंदन वो समय खरसिया, हाँ। बीबीसी लंदन अनाउंस करीस तो मतलब खरसिया में कोई भी अन्याय करे की कोशिश करीस वो नहीं कर पाईस। अब जैसे अर्जुन सिंह हर मुख्यमंत्री बन के चुनाव लड़े बराईस वहाँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण, तो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव रही। दिलीप सिंह जी हर लड़े रहीस, हाँ। तो खरसिया बस्ती ला देख के अर्जुन सिंह के जो बाद में हमारे नेता मन के सामने बोलीस, मैं कई जगह चुनाव लड़े हूँ लेकिन ऐसे बस्ती नहीं देखे कि जो मुखरता के साथ सीएम के सामने आ जाए। तो खरसिया की खासियत रही। और सबसे बड़े बात है कि खरसिया में संपन्नता रही, सब मेहनत है, परिश्रम करे हैं और एक अच्छा प्रेम और स्नेह के वातावरण है। तो और दूसरा जो है एकता के कारण जो है प्रेम स्नेह है जी। आप जो है यदि राजनीति में नहीं आते हो तो क्या काम करते हो? नहीं वैसे देखो मोर जो पृष्ठभूमि है वो व्यवसाय के है, हाँ। मैं जब सक्रिय राजनीति में नहीं आ रहे, हाँ। तो मैं मोर जो पारिवारिक व्यवसाय रही वो में काम करे, हाँ। तो बाद में राजनीति में आ गए तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं राजनीति में नहीं आते तो वो अपन जो काम है बोला, तो जो हमारे घर के काम है बोला मैं करते जी। लेकिन मोर शुरू ले जो मन है काबर मैं बाबूजी के साथ बचपन ले साथ रहे, ठीक है। तो मोर शुरू से जो कहना चाहिए रुझान रही वो राजनीति की तरफ रही जी। कोनो ऐसन घटना जिन ठीक है आप राजनीति में आए कबर के आपकी पृष्ठभूमि रही से, लेकिन क्या होते जिन युवा पीढ़ी रही थे ओला कोई न कोई ऐसा चीज़ है झकझोरते जेकर कारण वो राजनीति में आ जाते, तो आपके जीवन में भी ऐसे कुछ आ रही इसका? नहीं देख राजनीतिक परिवार में रहे, हाँ। तो मोर आय के कारण रही, हाँ। काबर मोर बाबूजी हर 1952 में जनसंघ में आई, हाँ। वो जमाना में जनसंघ में चुनाव लड़ना मतलब सिम्बाला परिचय करवाना रही, हाँ। तो बाबूजी हर जैसे 62 में चुनाव लड़ीस, हाँ। और बाद 71 में चुनाव लड़ीस जब जनसंघ ला कोई मतलब कहना चाहिए जानत नहीं रहे, हाँ। वो चुनाव नहीं जीतीस। एक बार खरसिया में 89 में जीते पर लड़े रहीस काबर संसद में दूसर सरकार आ गई रहीस, लेकिन खरसिया में वो चुनाव हार गई। तो वो दिन मोर घर में मोर माँ उदास रहीस, तो दिन मोर मन मुँह से निकले मोला ते संसोल झन कर बाबूजी हर कभी चुनाव नहीं जीते है लेकिन ते याद रखबे एक दिन मैं चुनाव ला जीतिया, अच्छा। तो बोले रहे मैं वैसी, हाँ। तो वो मोर जीवन के टर्निंग पॉइंट हुई, हाँ। कि मोर मुँह ले निकलीस और फिर मैं ओतियंग गए, हाँ। और अपन हिसाबले क्षेत्र ला तैयार करे जी। का होते कि राजनीति में आदमी आते तो एक तो बाबूजी के खुद बहुत बड़े व्यक्तित्व रही से, आप बस नहीं आप तो भी पुत्र रहे हो लेकिन बहुत सारा प्रदेश में ऐसा लोगन है जिन उखर से प्रभावित रही, उखर काम से प्रभावित रही ने, लेकिन उखर अलावा राजनीति में या अन्य जीवन में काखर से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हो? नहीं देखा राजनीतिक में कुशाभाऊ ठाकरे जो है, हाँ। मोर बाबूजी हर भी वाला मानत रही, मैं उखर साथ रहे हों, उखर विचार ला देखे हों और एक निष्काम भाव ले पार्टी ला खड़े करे हुए और जीवन में खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो मैं उनका जीवन ले बड़ प्रभावित हुए हूँ। और दूसरा जहाँ तक सवाल है कि जो राजनीतिक में नहीं है काबर मोर परिवार के जनसंघ के पृष्ठभूमि रहे, मैं जो हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है काबर बाबूजी वहीं ले निकले, ओमन के जो सेवा भाव देखे हूँ, खासकर मैं जब छोटा रहे मुझे याद आते कल्याण आश्रम जशपुर, तो वहाँ उस समय बाला साहब देश पांडे जी रहीस, तो मैं जब बड़ छोटा रहे तो एक दिन देश पांडे जी हर आईस एम्बुलेंस ला लेके, वो में फ्रिज रहीस, मुझे आज तक याद है वो जमाना में वैसे एम्बुलेंस में कभी जीवन में नहीं देखे रहे। तो मैं बचपन ले जब ऐसे लोगों ला देखन कि सेवा करते तो मोर मन में भी आए कि भाई जब सेवा करना है
तो सेवा में जो राजनीति के जो माध्यम है एक अच्छा माध्यम रहते। अब दूसरा प्रश्न करते हैं कि खाए में आप का पसंद करते हो? खाए के मोला वैसे शौक है। मैं वेजिटेरियन में शाकाहारी में सब खाता हूँ। बस करेला की सब्जी भरला नहीं खाऊं, काबर वो थोड़ा कड़वा रहते। लेकिन जैसे बैंगन के भरता है, एक साथ चाट है, मोला तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और फिर बहुत पारिवारिक कमजोरी है। अब तला हुआ जो चीज़ है, हालांकि नहीं खाना चाहिए, खबर परिवार में एक वो है। तो जैसे मोर बाबूजी लसौक रहीस, कितना ही डायबिटीज बढ़े रहे, शुगर बढ़े रहे, वो भजिया आई तो प्लेट में काम नहीं चले, थाली में रखते, तो सब प्रदेश में मालूम रहे। और मोर बारे में वही हो गए, जहाँ भी जाइए मतलब भजिया परोस देते हैं। तो वैसे मोला खाए पिए के सब बदल बदल के शौक है शाकाहारी में। जी जी। तो मैं सब चीज़ ला खाता हूँ, बस खाली करेला ला भर नहीं खावा। माता जी के कुछ बनाए ऐसे जन आप लोग बड़ा अच्छा लगते? नहीं, मोर माता जी के जो है मैंने बताया, जैसे बैंगन भरता है मोला शौक रहीस, आलू प्याज के जो सब्जी है मोला शौक रहीस। तो काबर पहले तो होटल और ढाबा रहीस नहीं, सब घर में बनत रहीस, सब घर में। तो ये सब सब्जी पसंद रहे और माता जी हर बड़े प्रेम ले बनाए और हमला खिलाए। जी, कोनो ऐसन शिक्षक जिन खरसिया के या जहाँ भी आप पढ़े हो वहाँ के शिक्षक जिन आप लोग बड़ा प्रभावित करीस? नहीं, देखे मोर प्रारंभिक शिक्षा खरसिया में हुई जी, लेकिन मोला प्रभावित करीस मैं जब मोर 11वीं होगी। तो मैं दुर्गा कॉलेज में एडमिशन लेवर आए, तो वो समय दुर्गा कॉलेज में रमवीर शास्त्री हर यहाँ के प्रिंसिपल रहीस। तो वो समय में वो बी काम भर इंटरव्यू ले, वैसे मैं जो है साइंस पढ़े रहे और मैं डॉक्टरी करना चाहत रहे। तो मैं यहाँ साइंस कॉलेज गए एडमिशन लेवर। तो मोर रैंकिंग करे लग गए, तो मैं बोला छोड़ छाड़ के फिर दुर्गा कॉलेज चल दिए। तो मोला याद आते रविंद्र शास्त्री और जैसे में गए वो खरसिया के देखी मोला, तो बोले थे यहाँ खबर आया हस, वहाँ तो खरसिया में कॉलेज है। तो बोला ना, ये मोर घर के काम है यहाँ और मोर ऑफिस है, तो मैं थोड़ा बहुत ओला भी देख ली है और पढ़ भी ली हैं। बोला ते ये खबर नहीं कहा था कि वहाँ टाकीज नहीं है, यहाँ 9 टाकीज है। ते पिक्चर ला देखे पर आए और बिगड़े पर आए हैं, भाग यहाँ से। मैं बोला नहीं नहीं, मोर ऑफिस है, मैं बता दी है। फिर बोला एडमिशन मिल गई। तो बोला अच्छा लगी इसकी, ऐसे प्रिंसिपल अनुशासित, जो अनुशासित प्रिंसिपल। और मैं ओला देखे हमेशा कि जब भी छुट्टी हो 15-20 मिनट के, तो वो समय में जो शास्त्री जी हर वो वहाँ पर घूमे मैदान में और टाइमले सबला भगाए, तो अनुशासन ला होकर देखे होकर ले प्रेरणा मिलीस कि सबला जो स्टूडेंट है वो मल्ला देखना संभालना। वो मतलब आज भी शास्त्री जी के जो छवि है वो याद आते जी। फिल्म में क्या आप जिक्र करे हो और टॉकीज की भी जिक्र आईस, तो ऐसे कौन हीरो है जिन आप लोग बहुत पसंद आता? नहीं, वैसे देखा मतलब फिल्म के शौक है और बचपन ले शौक है। मैं जब मंत्री भी रहे 15 साल, तो मैं जब भी बिलासपुर 15-20 दिन में जाऊँ, तो वैसे तो देखा आजकल होम थिएटर रहते, आजकल टीवी वीवी में रहते, लेकिन मोर इच्छा रहते कि टाकीज में जावा। तो मैं मोर पत्नी ला लेके टाकीज में जाऊँ, हर 15 दिन में जाऊँ, तो सब मन देखें। तो फिल्म में जो है मोला धर्मेंद्र जो है, धर्मेंद्र वो बड़ा अच्छा लगत रही जी। और हीरोइन में? हीरोइन में जो है बचपन में जो है पूनम ढिल्लो जो है वो मोला अच्छा लगा। अच्छा, पिक्चर और गाना सब? गाना भी पिक्चर भी सब ला देखत रहे मैं जी जी। और अब तो मैं सब पिक्चर आज भी देखता हूँ जी जी। रायपुर के कोनो ऐसा टॉकीज या बिलासपुर के ऐसा टॉकीज जिन यादगार रहे जहाँ आप भाभी के साथ पहली बार पिक्चर देख रहे हो? नहीं, पहली बार तो देखा जैसे रायपुर में है, रायपुर में ये जो मयूरा होटल के बगल में का नाम है वो राज टॉकीज, वो में ये प्रेम रोग लगे रही। अच्छा। तो मैं रायपुर में देखे रहे, काबर वो समय जो नया फिल्म है वो तो केवल रायपुर में आए, बाकी तो फिर 15-20 दिन बाद आत रही और अच्छा टाकीज भी नहीं रही। और मैं रायपुर पढ़े हूँ तो बड़ पिक्चर देखो, लेकिन शादी के बाद प्रेम रोग पिक्चर देखे रहे राज कपूर के जी जी। कौन सा वो टाइम जो कॉलेज के टाइम में कौन सा गाड़ी रही आपके पास? मोर पास कॉलेज के टाइम में स्कूटर रही। अच्छा। वो समय चेतक बजाज करके एक गाड़ी निकले रही, तो दुर्गा कॉलेज में जात रहे तो मैं वो चेतक बजाज में जात रहे।
कॉलेज के टाइम में गाड़ी के एवरेज के बड़ा समस्या रही थी, स्कूटर आप धरे रहे और एवरेज के बड़े कभी समस्या से ग्रसित होते कि नहीं होते? नहीं, कभी मैं ध्यान नहीं दिए, काबर मोर घर के व्यवसाय के रहीस। हाँ। तो पढ़े लिखे पर आए रहे तो पॉकेट खर्चा थोड़ा अच्छा मिल जात रही, लेकर पर मैं ज़्यादा एवरेज ओवरेज में ध्यान नहीं दिया हूँ। राजनीति में जीत हार अपन जगह रही थे, लेकिन बहुत सारा नेता ऐसे रहते जिन जीत और हार से ऊपर उठ जाते हैं, उमा एक आप हो, तो लोगन के प्यार अभी भी आपके साथ वैसे हैं, कोई बदलाव नहीं आए? जब भी हम बिलासपुर जाते हैं ऐसे महसूस करते हैं, आपके का कहना है? नहीं, मैं ऐसे मानता हूँ कि जो लोकतंत्र है, हाँ, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब अच्छा काम करिए और बाद भी परिवर्तन नहीं हो। लोकतंत्र में परिवर्तन जो है लोकतंत्र के नियम है। और जहाँ तक सवाल है, मैं ऐसे मानता हूँ कि आदमी जब पद में रहते, अगर वो में शालीनता है, बिल्कुल, अगर वो में स्नेह है और एक वो समय में जो है सामान्य व्यक्ति जैसे रही, होकर सम्मान कभी ख़त्म नहीं होए। तो मैं आज भी जैसे बिलासपुर में जाता हूँ, मुझे एक बात की प्रसन्नता है, भले मैं विधायक नहीं बने, लेकिन आज भी जब भी शादी ब्याह में जाता हूँ, काकुल गमी में जाता हूँ, तो मोर जो मंत्री के सम्मान रही, वही सम्मान आज भी बिलासपुर की जनता मोला देते। तो मैं ऐसा माना था, मोर जीवन में ऊपर ले बड़ा कोई खुशी कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ कोई चीज़ नहीं। कई बार क्या होते कि युवा मन राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन घर वाले मन बोलते हैं राजनीति में क्या कर रहे भाई, दूसरा काम लग कर, ओखर पर आप क्या कहना चाहते हो, राजनीति ला आप कैसे देखते हो? ये सवाल युवा मन का मोर जीवन में आए। मोर जब राजनीति में रुचि बढ़ी जी, तो मैं सबसे पहले मोर बाबूजी ला बोले, हाँ, कि मोला राजनीतिक में रुचि है, मैं राजनीतिक में जाना चाहता हूँ, मना करीस। बोले नहीं, बोले मैं जब आए रहे, जब सिद्धांत के और देश के बात रही, सब राजनीति के बद्दत है, ते नहीं कर पावे ते मत जा। तो मैं बोला वही बोले कि आने के लेखा मल्ला ते प्रेरित करता कि राजनीतिक में आवा। हाँ। और अपन के लड़का ला रोका था, तो मोर बात ला सुन के वो निरुत्तर हो गई। बोले भाई तोरी इच्छा है, लेकिन मोर एक शर्त है, मोर ले कोई उम्मीद मत कर बे कि राजनीतिक में मैं तोर मदद करी है। मोला ठीक है, मैं तोर ले कोई उम्मीद नहीं करूँ, लेकिन ते अपन सिद्धांत पर मोला रोकबे भी झन कि मोर लड़का है, कोई पद झन देवा, ठीक है, मैं अपन दम में करी है, ते ना मोर सपोर्ट करबे ना मोला रोकबे। तो जे देखो, जहाँ तक युवा मन है, मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, अगर सबो जन यही सोची कि यहाँ खराबी है, यहाँ गंदगी है और सब हट जाही, तो जो बचे हुए है और जो सही नहीं है वो गलत आदमी राजनीतिक में आए तो और गलत होगी। तो मैं तो कई बार कहता हूँ, अगर ये देश के राजनीतिक में गिरावट आए और राजनीतिक में नैतिक मूल्य के हास हुए, तो ठीक है, जो आदमी राजनीतिक में आए गलत करे हैं ओकर दोष है, लेकिन जो भयाकांत होके कि गलत है और अपन एक दूसर लाइन चुन लेते, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी दोषी है, कि लोकतंत्र में जो सही भूमिका होना चाहिए देश के लिए ओकर ले उन पीछा छुटा के भागे। अभी वर्तमान समय में जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी अमेरिका गिरी, इन्हें ज़बरदस्त तरीके स्वागत हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये जन बदलाव आवा थे पूरे देश में या कहें विश्व में, भारत ला ले के जिसने सोच बदला थे, ओला ले के आपके का कहना है? नहीं देखो, जहाँ तक सवाल है, अगर हम भारत के पृष्ठभूमि में जाबो, हाँ, तो हमर जो देश के स्थान रहीस वो विश्व गुरु के रहीस, लेकिन कालांतर में वो स्थान हमर नहीं रहीस। लेकिन जब ले हमर देश के प्रधानमंत्री आए, ओकर एक ही इच्छा है कि हमर जो देश के स्थान है ओला लौटाना है, ओकर बर दिन रात परिश्रम करते, मेहनत करते और देश ला आगे बढ़ाए के काम करते, और विदेश में भी जो है भारत के जो अच्छे चीज़ है ओला ले जाते, और वही बात है कि देश में हमन सब सौभाग्यशाली हैं कि हमला एक ऐसा नेता मिलीस, आज ओकर पूरे विश्व में मान्यता होगी। और वो दृश्य ला देख के तो कोई भूल नहीं पाए, कोई कल्पना कर सका थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ला हाथ पकड़ के घुमाए चारों तरफ, वो दृश्य की कभी कोई कल्पना करे रहीस? लेकिन मोदी जी हर वो कल्पना ला हमार सार्थक करीस और हमारे देश और आगे जाते, विश्व में एक स्थान बनाते, काबर हमारे यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासत है वो वसुदेव कुटुंब के है, और वो विरासत ला हमन आगे बढ़ाथन
और ये तो मैं ऐसे माना था कि देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है कि आज हमारे देश के विश्व में स्थान होते और सबके सपना रहीस वो सपना ला मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, हम नौकर साथ चलबो। एकदम बढ़िया। मैं ये चाहता हूँ अग्रवाल जी कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के जन जनता हैं जिन हमला देखा थे उखर पर एक संदेश दो जेखर से उम्र नशा से अन्य चीज़ से दूर रहे। वैसे मैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन है एक ही बात ला कहिया कि भाई देखो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है लाल किला ले आह्वान करीस स्वच्छ भारत के अपन सब मिल के ओला करें तो आज हमारे छत्तीसगढ़ स्वच्छ होते। अब प्लास्टिक के हमारे प्रधानमंत्री हर आह्वान करे है कि प्लास्टिक मुक्त करना है, काबर कोई सरकार नहीं कर सके, हमन अगर वो में अपन प्रयत्न करबो तो होना चाहिए। और ऐसे ही जो है जो हमारे व्यसन है हमारे जो दिनचर्या में परिवर्तन है, काबर मैं स्वास्थ्य मंत्री रहे हूँ और 7 साल रहे हूँ तो मोला कोई पूछते कि तोर मन में का पीड़ा है थे का नहीं कर पाए, मैं कहता हूँ मैं दवाई बर अस्पताल बर जो करे करे मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन मोर मन में एक पीड़ा है कि जो है हमन स्वस्थ कैसे रहें ओकर बर जो जागरूकता अभियान है अगर वो चलाएं तो फिर आदमी जब स्वस्थ रहे के सोची तो योग ला करी अपन दिनचर्या में परिवर्तन ला करी तो स्वस्थ रही। तो मैं यही कहिया कि अगर हमन ला स्वस्थ रहना है तो हमन दिनचर्या में परिवर्तन करें, बुरी चीज ले दूर रहें और जो हमारे समस्या है पर्यावरण के ओ में हमन सब सहयोग रही तो हमन सब साथ देवो तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो कमी है वो सब दूर हो जाएगी और हमारे छत्तीसगढ़ जो है वो एक अच्छा राज्य बन जाएगी और बनबेच कर ही काबर हमारे यहाँ कहावत है सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप बात बोले और बहुत सुगर सुगर बात आपके साथ करे के मौका मिली। अग्रवाल जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है संदीप जी, अच्छा लगी। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।